और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है रविकांत सैनी ने, और हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज आप नाराज मत हुआ करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे ही आपकी सजेशन हम लोग देख पाए वैसे ही हम लोग उस वीडियो को देखेंगे। और इसी के साथ हम पहले देख लेते हैं वीडियो, लेकिन टाइटल बताएंगे शायद कि नहीं। और इसी के साथ हम उम्मीद दे जाते हैं, टाइटल है चाइना जेल सेलिब्रिटी फॉर सेइंग मेनी चाइनीज सोल्जर्स डाइड अगेंस्ट इंडिया इन गलवान वैली। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजुअल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करें, देख लेते हैं वीडियो। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आज के समय मीडिया बात कर रहा है चाइना के एक निर्णय के बारे में। चाइना की सरकार ने हाल ही में अपना एक इंटरनेट सेलिब्रिटी, एक इनका ब्लॉगर है बहुत ही फेमस, जिसके करीब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स मतलब के मुझसे ढाई गुना ज़्यादा, तो काफ़ी एक वेल नोन व्यक्ति है चाइनीज इंटरनेट में, बहुत से इसके फॉलोअर हैं। इसने जब ये कह दिया कि मेरे हिसाब से तो गलवान वैली इंसिडेंट जो हाल ही में हुआ था लद्दाख के पास, यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना की गवर्नमेंट ने रियल नंबर नहीं बताया। नाउ ये बात इंटरनेट पे लिखने के लिए चाइना ने इस आदमी को दे दी 8 महीने की जेल। और सबसे फनी पार्ट ये था कि पूरे देश के सामने नेशनल टेलीविजन पर ये कहा कि सबसे माफ़ी मांगो, और ये भी बोलो कि चाइनीज सोल्जर्स नहीं मरे थे, जो भी मैंने कहा था वो गलत था। और ये देखो काम इतना अजीब है कि पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे यूके द गार्डियन का आर्टिकल है, चाइना जेल्स ब्लॉगर हु स्लैंडर्ड डेड इन इंडिया बॉर्डर क्लैश। ये और आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, कि चाइना जेल्स पॉपुलर ब्लॉगर ओवर इंडिया बॉर्डर क्लैश डेथ टोल क्वेरी। और ये बात अब फोटो है उस ब्लॉगर की, और नाम है इस ब्लॉगर का ला बी शायो क्वी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आदमी ने जब क्वेश्चन उठाया कि देखो मेरे हिसाब से मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि इंडिया ने ओपनली क्लेम किया कि इनके 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइना कह रहा है कि गलवान वैली इंसिडेंट में इनके बस 4 सोल्जर्स मारे गए, ये 4 नंबर बहुत कम लग रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली रियल नंबर बहुत ज़्यादा होगा, और चाइना यहाँ पे ये बात छुपा रहा है। अब अजीब बात मुझे ये लगी जब मैं ये सब पढ़ रहा था कि आज के समय इवन चाइनीज सिटीजन्स, नॉर्मल चाइनीज सिटीजन जो प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं है, जो कुछ हद तक फ्रीडम ऑफ थॉट चाहते हैं, फ्रीडम टू क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट चाहते हैं, वो ओपनली यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि हमें लगता है कि हमारे मोस्ट प्रॉब्ली ज़रा सोल्जर्स मरे होंगे, जबकि आप सबको बताएं कि बहुत सारे पाकिस्तानी आज के समय इन चाइनीज लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देंगे ये कह के कि आपको नहीं पता आपकी जो आदमी बहुत स्ट्रांग है, आपके बस 4 लोग ही मारे गए थे, अब बस इसको नंबर कौन बढ़ाओ। खैर, इस पूरे इवेंट से ये बात साफ हो चुकी है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा है इनके आम नागरिकों पे हावी नहीं हुआ। इनके जो आम नागरिक है, इंटरनेट पे जो लोग हैं, चाहे इनमें से बहुत से लोग ऑनलाइन कुछ लिखे ना, मगर वो ये बात समझते हैं कि चाइना जो भी यहाँ पर क्लेम कर रहा है इंडिया के रिगार्डिंग, गलवान के रिगार्डिंग, इसमें बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा है। और गलवान वाले इंसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ था 15 जून को एट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडियन और चाइनीज सोल्जर 6 घंटे तक क्लैश करते रहे। बताया जाता है कि गलवान वैली क्लैश में 600 सोल्जर्स इन्वॉल्व थे फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ और उसका नतीजा यहाँ पर यह निकला कि भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, और चाइना का बताया जाता है कि एटलीस्ट 35 से लेकर 45 लोग मारे गए थे। वर्ल्ड मीडिया ने इतना तो कोट किया है कई ग्रेव्स की साइडिंग्स देखकर और वेरियस प्रूफ देखकर कि चाइना का हैवी लॉस हुआ था, तो इन्होंने लॉस को छुपाने के लिए यहाँ पर बस क्लेम किया है कि एक्चुअली में हमारे बस 4 लोग यहाँ पर शहीद हुए। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे कि चाइनीज़ नागरिक तो ये नैरेटिव सपोर्ट करना चाहेगा, एक चाइना में बैठा व्यक्ति वो क्यों बोलेगा कि अमेरिका का नंबर सही है, इंडिया का नंबर सही है, वो यहाँ पर क्यों कह रहा है कि जो ये चाइना का नंबर है कि इनके बस 4 सोल्जर्स मारे गए ये गलत है। देखो यहाँ पे सिंपल रीज़न है ऑनर और रिस्पेक्ट का। भारत में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ, हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हमने इन जवानों को ऑनर किया, पूरे देश ने इनको ऑनर किया। कर्नल संतोष बाबू को तो यहाँ पे महावीर चक्र दिया गया, 15 सेना मेडल यहाँ पर दिए गए, 4 वीर चक्र यहाँ पे दिए गए, तो हमने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया, ऑनर किया अपने सोल्जर्स को, इनकी फैमिली को ऑनर किया। मगर चाइना में आज भी कई फैमिलीज हैं जिनको पता नहीं है कि उनके बेटे के साथ, भाई के साथ क्या हुआ। वो अपने देश के लिए लड़ते हुए मारा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, गलवान वैली वो मारा गया, मगर चाइनीज गवर्नमेंट सिंस अपनी जो प्राइड है, अपनी जो ईगो है, इसको बचाना चाहती है, तो उन फैमिलीज को कभी पता नहीं लगेगा कि हमारे फैमिली मेंबर के साथ हुआ क्या था, क्या वो लद्दाख में कहीं किसी गुमनाम सी कब्र में छुपा हुआ है। और कभी दुनिया ये बात नहीं जान पाएगी कि इस जवान ने अपने देश के लिए जान दी है। तो ये जो सेंटिमेंट है, ये बहुत से चाइनीज जो ब्लॉगर्स हैं, जो वहाँ पे ऑनलाइन लोग लिखते हैं,
जो पॉडकास्ट चलाते हैं ये बात एक्सेप्ट करते हैं, ये बात वो लोग जानते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली ये लोग फील भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बात उठाई कि हमारे हिसाब से 4 जवान तो चाइना के ये नहीं मारे गए। अब देखो चाइना इतना ज़्यादा पैनिक कर गया इस एक स्टेटमेंट को लेकर कि इन लोगों ने इस आदमी को पहले जेल किया, उसके बाद इसको यहाँ पर ये कहा कि हम आपको हमारे एक प्राइम टाइम शो पे लेके आएंगे, वहाँ पर 1 मिनट तक पूरे देश के सामने माफ़ी मांगो और लगातार बोलो कि चाइना के बस 4 जवान ही मारे गए थे, इसके आगे का कोई नंबर नहीं है, मुझसे गलती हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मैंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ऐसी बातें करी। लिटरली ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। एंड एनाइलेशन ऑफ कॉन्शियंस, मतलब कि यही कह रहा है ब्लॉगर यहाँ पर लोगों के सामने कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को क्वेश्चन किया और मैंने खराब बातें बोली हमारे देश के मार्टर्स के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस तरीके से ये रिपोर्टर है, यहाँ पे वो ब्लॉगर है, यहाँ पे कैमरा रख दिया गया और 1 मिनट तक जेल के पीछे। देखो यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत से मैसेज सेंड किए हैं पूरी दुनिया को और चाइना के लोगों को भी। चाइना के लोगों को यहाँ पर ये बोला है कि अगर आपने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट नैरेटिव, सरकार कह रही है कि इतने जवान मरे थे तो इतने ही मरे थे, इसको क्वेश्चन करोगे तो आपको जेल में डालेंगे और इसी तरीके से पूरे देश के सामने आपको बेइज्जत किया जाएगा। अब आप समझ लो ये आदमी चाइना में फेमस हो चुका है सारी उम्र के लिए, हो सकता है कि इन द फ्यूचर इसको नौकरी भी ना मिले, लोन भी ना मिले। इस आदमी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसने बहुत ही एक लॉजिकल बात लिख दी कि 4 जवान तो मुझे लगता नहीं है कि चाइना के मारे गए हैं। और चाइना का जो स्टेट मीडिया है जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कंट्रोल करती है ग्लोबल टाइम्स, इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है कि ये जो ब्लॉगर है इसने यहाँ पर एक्सेप्ट करी अपनी गलती। ये कह रहा है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली अशेम्ड, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये बात बोल दी और मेरा जो बिहेवियर है ये बहुत गलत है। और इसको ये तक बोलना पड़ा, आई एम श्योर ये जो सारी बातें हैं इसको लिख कर दी गई होगी किसी पेपर में, मगर इसको यहाँ पर ये भी बोलना पड़ा कि ओवर द ईयर्स ऑनलाइन मैं जब लिखता था आर्टिकल्स, पब्लिश करता था कुछ भी, तो मैं एरोगेंट होता गया, मेरे पे एरोगेंस छा गई और मैं पूरी पिक्चर नहीं देख पाया और मैंने यहाँ पे अपने जवानों के बारे में खराब बातें बोल दी, उन जवानों के बारे में जिन्होंने अपने घर त्याग दिए देश के लिए। तो अगेन इन्होंने बेसिकली अपनी पूरी जनता को यहाँ पे ये बता दिया है कि आप भी अगर कल को क्वेश्चन करते हैं कि 4 जवान कितना मरे थे तो आपके साथ यही होगा। उसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनली भी ये बात बता दी है कि ये लोग अपने नैरेटिव को लेकर, अपनी इमेज को लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। चाइना ने एक अग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट कर दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये चाइना वायरस है, चाइना वायरस है। तो इससे हम देख सकते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी कंट्री की इमेज और जो इनका प्रोपेगेंडा है, जो इनका नैरेटिव है, इसको लेकर दे आर डेड सीरियस। मगर एज इंडियंस अगर हम ये सब देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बार को चाइना के लोग वैसे अपनी सेफ्टी के लिए चुप रहेंगे, मगर उनके दिमाग में ये बात पहुँच चुकी है कि चाइना ने जो यहाँ पर आंकड़ा इनको बताया है सोल्जर्स की डेथ का, ये डेफिनेटली फेक है, रियल नंबर यहाँ पे कुछ और था। और ऑनलाइन आप देखेंगे कि सीक्रेटली, ओपनली नहीं मगर सीक्रेटली, इन बातों को और लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। और लॉन्ग टर्म में आप ये भी नोटिस करोगे कि इस पर्टिकुलर इवेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि 2 जून मतलब कि आज से अन अकेडमी ने लॉन्च किया है एक यूनिक कॉम्बो ऑफर, ऐसा ऑफर शायद आपने देखा नहीं होगा। इस ऑफर में आप तैयारी कर सकते हैं एसएससी, बैंक, रेलवेज, आरबीआई, नबार्ड, सबकी ये कॉम्बो ऑफर है और सिंगल परचेज में आप इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। मैं आपको एक लिंक दे दूँगा इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, वहाँ पर पिंड कॉमेंट पर जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर चूज़ करना पिक ए प्लान और 12 महीने या फिर 24 महीने का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1,333 रुपीस में इन सब एग्जाम्स की तैयारी 12 महीने तक। मगर ये प्राइस भी कभी भी पे मत करना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल फर्दर, प्राइसेस और कम हो जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10, सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ में आप तैयारी कर सकते हैं SSC, बैंक, रेलवेज, RBI, नबार्ड, वेरियस एग्जाम्स की। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि आजादी राय जिसे हम फ्रीडम स्पीच भी कहते हैं उसका हक हर बंदे को होना चाहिए। बिल्कुल, और इसकी एग्जांपल मैं इसी तरीके से दूंगी कि जैसे चाइना मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है आज की मार्केट में और जिस तरीके से उसने अपने आप को स्टेबल किया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एरोगेंस इतनी ज्यादा आ गई जो कि न्यू मतलब जो हम लोगों ने वीडियो देखी है उसमें उन्होंने ब्लॉगर को
बोला कि उसमें एरोगेंस आ गई है. लेकिन देखा जाए तो ये उसी तरीके से कि लोग बेचारे कैद हो गए हैं वहां पर. आपके पास चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपके पास बोलने की, आप क्या सोचते हैं, वो एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं है, तो मुझे लगता है आपको ऐसे ही लगेगा कि आप किसी जेल में रहते हैं. मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि देखें, ये जो चीजें होती है ना, जो क्लैशेस होते हैं किसी भी मुल्क में, ये इस तरह के होते हैं कि इसके फिगर्स जो है वो किसी ना किसी तरह लीक आउट हो जाते हैं, पता चल जाता है दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना उनके पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं पता कराने वाले. तो ये एक साल बाद हो, एक दिन बाद हो, एक महीने बाद हो, या मुद्दतों बाद हो, तो ये चीजें जो है आपके सामने जरूर आ जाती हैं कि भाई फलाने वक्त में ये जो है काम हुआ था, तो उसमें इतने लोगों के साथ ये हादसे पेश आए थे. तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, वो मेरा ख्याल है कभी भी नहीं छुपाने चाहिए. हाँ, कोई इस तरह की चीजें हों जिसमें आपको लगे कि भाई अफरा तफरी फैल सकती है, वो फिर भी सही है. लेकिन इसमें तो कोई चीज नहीं कि एक चीज एक्सेप्ट करना है आप करें कि भाई हाँ, हमारे इतने जो है जवान वो मरे थे. नहीं देखो, जो होते ना, देखो जो फौज है वो हर कंट्री की, मैं कहती हूँ, रिस्पेक्टेड होती है, ठीक है ना. उनके घरों, वो अपने घर वालों को पीछे छोड़कर आते हैं, और आप अपनी ईगो में आकर जब वो, मतलब हम गए अपने अपनी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, वो अपनी पूरी जिंदगी वहां पर मतलब गुजार देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और उसके बाद आप उनको बिल्कुल भी एक वो चीज आप इक्नॉलेज नहीं करते भाई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ है, आप फिगर्स गलत बता रहे हैं. और इवन कि उनके घर वालों का इसमें क्या कसूर है, जो कि सारी जिंदगी ऐसे गुजार, बिल्कुल वही जैसे भी इन्होंने कहा कि गलवान वैली की जो पता नहीं कौन सी किसी पहाड़ी में दफन कर दिया होगा, तो नो डाउट वाकई ये बड़ी जो है दुख वाली घड़ी होती है, क्योंकि एक फौजी जो होता है ना, बेशक वो किसी भी मुल्क का हो, वो होता तो वो इंसान ही है, वो ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है ऊपर से, लेकिन उसके जो पिछले होते हैं वो उस चीज से, उस चीज को बहुत ज्यादा सफर करते हैं. बिल्कुल. और बताइए, यहाँ पर मुझे ये चीज समझ में आती है कि इसमें इतनी एरोगेंस वाला क्या फैक्टर आ जाता है बीच में, कि अगर हम लोग ये फिगर्स रिवील कर देंगे तो जी हमारी कोई वो बहुत हो जाएगी कि हम लोग ने मतलब शिकस्त हो गई है हम लोगों को. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए. आपको बिल्कुल उनको पूरा एक इज्जत देनी चाहिए और तरीके से उनको, उनकी तदफीन करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हम लोगों को हमेशा उल्ट देखने को मिलता है चाइना की, अगर हम स्पेशली बात करें. और जैसे कि प्रशांत सर ने बीच में बात भी की कि बहुत सारे पाकिस्तानी चाइनीज को ऐसा कहेंगे, तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि उनको ये लगता है भाई नहीं नहीं हम बहुत समझदार हैं, हम आपको सही बता रहे हैं. तो देखो, गवर्नमेंट जो होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत सारे हालात और वाकयात को अपने मुताबिक बता रही होती है, और इस चीज का ख्याल नहीं होता उनको कि जो बाहर का मीडिया है वो भी कवर कर रहा है, लोग वहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी जान सकते हैं. बट ये कि उसके बावजूद मौजम, क्योंकि कुछ लोग तो इन चीजों को समझना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो लोग कुछ होते हैं वो बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं समझते और वो इसी चीज के झांसे में फंसे रहते हैं. देखिए, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा, हर मुल्क में जो है लोग बटे होते हैं, कुछ जो है वो एक साइड पर हो जाते हैं, कुछ एक साइड पर हो जाते हैं, तो ये जो तराजू है ना, ये हर मुल्क में चलता रहता है. लेकिन मैं यहाँ पर अब बात करूंगा, जो व्लॉगर हैं जो जिन्होंने ट्वीट किया, जो चाइना का ट्वीटी कह रहा है, जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है उस पर, तो उनके साथ गलत हुआ है. नहीं इस तरह, यानी कि सबसे पहले तो आपने उसे 8 महीने के लिए जेल में फेंक दिया, फिर उसके बाद जो है एक बकायदा आपने प्राइम टाइम में जो है उसे दिखाया. तो अगर आपको टेंशन नहीं है, कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, तो इस तरह की हरकत भी नहीं होनी. और अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूं, तो ये सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी जगहों पर हम लोगों को अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी ये चीजें देखने को मिलती है. बिल्कुल. और ये वीडियो देखकर मुझे ये पता चल रहा है कि ये इतना सारा असर कहां से आ रहा है, जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि ऐसी ऐसी जो चीजें हो रही हैं वो कहां से, मतलब उनकी हम कहेंगे कि आइडियाज आ रहे हैं और क्लिक हो रहे हैं. बट एनीवे, दुआ यही करते हैं कि हर जगह जो है वो चीजें सही रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेरे ख्याल में सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए भी और बेहतरी के लिए भी, कि लोगों में इतना शौर होना चाहिए कि वो क्रिटिसाइज करें. और मेरा यहाँ पे ये भी ख्याल है कि अगर आप काम करें, तरीके से काम करें ना, तो आपको जो है कोई बात भी नहीं करेगा. क्योंकि बेसिकली अगर हम एक मुल्क की बात करें ना, वहां पे जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें कोई सरोकार नहीं होता कि भाई इंटरनेशनली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. उन्हें सरोकार होता है जो एम्प्लॉयमेंट से, अपने मुल्क की तरक्की से, कि भाई जो है ना ये चीजें, हमें रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए. ये चीजें एक आम
काम बंदे की पूरी होती रही ना, वो कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करता। नहीं मौजम, मेरा ख्याल है मैं इन चीजों से इसलिए इतना अग्री नहीं करती क्योंकि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ इन चीजों से रिलेटेड नहीं होती। फ्रीडम ऑफ स्पीच बात करने की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर रोटी कपड़ा मकान और इन चीजों को लेकर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो चाइना में काम अच्छा नहीं है, वहां पर लोगों को तो फिर कोई बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ ये बेसिक जरूरतें हैं जो कि एक गवर्नमेंट को लोगों की पूरी करनी चाहिए, ये फैसिलिटीज देनी चाहिए। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा था जो आपने अभी बात की ना एंड पे, कि ये बेसिक फैसिलिटी जब एक इंसान को मिलती है ना, वो फिर गवर्नमेंट को नो डाउट क्रिटिसाइज करने वाले करते हैं, लेकिन जो है उस जो एक ट्रस्ट लेवल होता है ना वो डेवलप होता है। बिल्कुल, वो मैं वो मानती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी आपको ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं, अगर आपकी सिर्फ यही जरूरतें पूरी होती जा रही हैं और बाकी जो काम है उनमें करप्शन हो रही है, बाकी और चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप करके देखते रहें, आपको उनमें भी बोलना चाहिए। बट एनीवे मुझे लगता है कि चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि एक आम आदमी के लिए सीरियसली काफी ज्यादा टेंशन वाली चीज होती है कि क्या वो ये बात बोले या ना बोले, उसके साथ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो हम लोगों ने देखी है कि एक उसने क्या बेचारे ने एक लाइन ही लिखी है और उस पर भी उसको उठाकर जेल में डाल दिया। असल में जब क्या नाम लेते हैं जो होते हैं ना पॉलिटिकल इश्यूज, वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं ना कि आम बंदे की, वो जैसे हम जैसे आम लोग हैं हमारी सोच से बहुत परे की चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है मौसम इतना इग्विस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर वो कहते हैं ना कि हर अरूज पे जवाल है, तो अगर चाइना आज इतना ज्यादा खुद को वो समझ रहा है कि पता नहीं मेरा ही यू नो हर साइड पर एक होल्ड होना चाहिए, या इसके साथ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ये एक्चुअली इस तरीके से मैंने एक वीडियो देखी थी और उसमें मैंने जो डिक्टेटरशिप है उसके बारे में ये सुना था कि जो डिक्टेटरशिप होती है ना वो सिंगल पर्सन डिसीजन होता है, ठीक है, उसमें एक ही बंदा जो था ना वो सबको होल्ड और बाकी उसे फॉलो करते हैं, बाकी सारे उसको ओबे करते हैं, उनके अंदर ये नहीं होती कि आपने ना भाई हमने बात का जवाब नहीं देना। लेकिन फिर अगेन पूरी दुनिया इस चीज को गलत समझती है और हम लोग यही बात करते हैं कि भाई क्यों एक सिंगल बंदे को हम ओबे करें, हम क्यों नहीं अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते, हम अपनी राय क्यों नहीं दे सकते। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, आपको क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल में वीडियोस लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।